हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सिन्हा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में पेट सही से साफ नहीं होता है, मन अंदर से अजीब सा लगता है, दिन भर आपको बेकार सा लगता है। तो चलिए चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तरफ। पहली मेडिसिन है ओपियम 200 CH पोटेंसी में। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हो तो SBL या डॉक्टर रेकमेंड का ही ले। अगर बच्चा है या बड़ा है जो 2-3 दिन तक उन्हें पेट साफ होता ही नहीं है, तो ओपियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ओपियम बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो ओपियम 30 CH पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 1 बूंद 3-4 दिन दें, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। उनके लिए ओपियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दिन में 1 बार 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डालकर बच्चे को दें, ठीक हो जाएगा। और बड़े अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो पेट साफ 2-3 दिन तक नहीं होता है, तो ओपियम 200 CH पोटेंसी में लें। दिन में 1 बार डायरेक्ट 2 बूंद अपने माउथ में डाल लें। सुबह जब आप उठते हैं तब आप ये मुंह में डाल लें। उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद आपका पेट साफ हो जाएगा। लगातार आप इसको लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जड़ से ठीक हो जाएगा। अब दूसरी मेडिसिन है ब्रेनिया एल्बा 200। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपके इंटेस्टाइन के म्यूकस है वो सूखने लगे, तो ब्रेनिया एल्बा उसको ठीक करती है। ब्रेनिया 200 पोटेंसी में बड़े सुबह 2 बूंद ले डायरेक्ट मुंह में। लास्ट में टॉप 1 सबसे अच्छी मेडिसिन है। आपको नाम तो पता चल ही गया होगा दोस्तों, नक्स भूमिका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट की जाने के बाद भी लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है, तो वो थोड़ी देर बाद फिर से जाते हैं। ये प्रमुख लक्षण है नक्स भूमिका का। नक्स भूमिका को यूज करने के बाद सारे तरीके हैं। आप 30 CH पोटेंसी में भी ले सकते हैं। 2 बूंद शाम यूज करें, 200 CH पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, 2 बूंद रात में डायरेक्ट मुंह में। ये सारी मेडिसिन आप SBL या फिर डॉक्टर रेकमेंड के ही ले तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा सारा वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।